अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है 27 मई 2024 और आज इस वक्त मैं एक घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ प्लांट्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। सेल करने की रीज़न ये है कि जिनके प्लांट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वरना प्लांट्स जो हैं ऐसी कंडीशन में हैं कि इनको सेल करने का दिल ना चाहे, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन से प्लांट्स आज के दिन सेल के लिए अवेलेबल हैं। मोस्टली क्रोटॉन्स का कलेक्शन है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्रोटॉन की अलग अलग वैराइटीज़ हैं, मैं सबके पर से कैमरा गुजार दूँगा। मज़ीद डिटेल्स के लिए, मज़ीद प्राइस के लिए, कहाँ से मिलेंगे, कैसे पिक करना होगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर रब्ता करना होगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्रोटॉन्स के जो प्लांट्स हैं ये देखें, अच्छे खासे ह्यूज साइज़ के हैं। तकरीबन इनकी हाइट जो है 3 फीट होगी, जो पीछे वाले हैं 3 फीट होगी इनकी, 2 से 3 2 ढाई फीट के प्लांट्स होंगे। करीब से मैं दिखा रहा था ताकि इनकी कंडीशंस का अंदाज़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्लांट्स की कवरेज कर लूँगा इसी वीडियो में, ताकि आइडिया हो जाए कि प्लांट्स कैसे हैं। मज़ीद फिर कोई पसंद आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेगा। ये सारी वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है, ये अलग है, ये दोनों सिमिलर हैं और ये अलग है। इनकी जो स्पेसिफिक वैरायटी का नाम है वो तो है मुझे नहीं याद, लेकिन ये सब अलग अलग हैं, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, फिर उसके बाद ये नीचे पीछे वाले जो हैं बड़े कंटेनर में रखे हुए, ये देखें इस तरह के कंटेनर में रखे हैं सारे पीछे, और ये काफ़ी ह्यूज हैं। इन सब की एक प्राइस रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 1000 से लेकर 1200 तक ये पीछे वाले हैं। फिर उसके बाद जो फ्रंट पर रखे हैं ये उनसे थोड़े से छोटे हैं, इनकी प्राइस है 500 to 600। वही सभी पॉट ले लें और उसकी फ़ाइनल प्राइस व्हाट्सएप पे मालूम कर लें। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दी है कि जो छोटे गमले हैं वो 500 से 600 के दरमियान है, बड़े गमले हैं वो 1000 से 1200 के बीच में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक ये एगेफ की वैरायटी रखी हुई है, ये भी फॉर सेल है। ये जूनिपर, नर्सरी वाले जूनिपर कहते हैं, मोर पंख से सिमिलर लगती है मगर है नहीं, बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत शेप के ये प्लांट बन जाता है। तो ये आई गेस मुझे 3 नज़र आ रहे हैं, ये भी सेल के लिए हैं। और आगे फिर मज़ीद ये कुछ और क्रोटॉन्स के प्लांट्स, इनको भी मैं करीब से दिखा देता हूँ कि कौन सी वैरायटी है। सब के सब माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, फ़िलहाल इसमें कोई भी डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये हैं क्रोटॉन्स। मज़ीद इसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो दूसरी तरफ मज़ीद कुछ प्लांट्स और नज़र आए हैं। डिफरेंट पाम ट्रीज़ के कलेक्शन रखे हुए हैं, ये भी अलग अलग वैराइटीज़ हैं पाम ट्रीज़ की, ये काफ़ी ह्यूज है। एक ये सामने रखा हुआ है, फिर एक ये है, और इसमें मुझे पीछे एक फ़र्न भी नज़र आ रही है पीछे, वो फ़र्न का प्लांट ये वाला, ये भी बहुत अच्छा और बुशी बन जाता है। फिर उसके बाद कुछ एक ये अगेफ की वैरायटी है, और एक ये जीजी की वैरायटी ये बता रहे थे जिसके लीव्स कुछ इस तरीके के हैं। जी देखें, इसमें भी 1 2 3 4 4 स्टेम्स लगी हुई हैं। ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी है, थोड़ी सी हीट की वजह से इसके पत्ते डाउन होते जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, अगर इसे रनिंग कंडीशन में है अगर इसकी प्रॉपर केयर कर लीजिए। हीट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के प्लांट्स ख़राब हो रहे होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट है, अगर आप इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो डेफ़िनेटली ऐसा ही होगा। उसके बाद कुछ और ये 2 ZZ प्लांट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, अच्छी कंडीशन है ये है। कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसकी प्राइस मालूम कर सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 स्टेम्स इसमें मुझे नज़र आ रही हैं, और इसमें भी तकरीबन इतनी ही हैं और अच्छे ह्यूज प्लांट्स हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे कौन से प्लांट्स हैं। कुछ ये हैं फाइलोडेंड्रॉन है, ये इसका नाम याद नहीं आ रहा, एग्लोनिमा और ग्रेसिनियम ये हैं। फिर उसके बाद इस तरफ देख लेते हैं स्नेक प्लांट, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इवन रात के टाइम भी, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और देख लेते हैं यहाँ कौन से प्लांट्स हैं। ये सारे जितने भी वीडियो में नज़र आ रही हैं सब सेल के लिए हैं।
तो बजाय इसके कि मैं एक एक करके सबकी प्राइस बताते रहूँ, जिसको जो पसंद आए वो रابطہ कर सकता है। लोकेशन इनकी नॉर्थ कराची है। मज़ीद नॉर्थ कराची में कहाँ रहते हैं उसके लिए आप इनसे एड्रेस ले लीजिएगा। तो ये हैं जेड प्लांट्स, बहुत सारे ज़बरदस्त ग्रो हो रहे हैं, एक पूरा जाल बिछा हुआ है जेड प्लांट्स का। तो ये हैं, और फाइकस वो पीछे रखा हुआ है, और इसके अलावा आखिर में बस देख लेते हैं कुछ कैक्टस हैं, कौन से हैं वो सामने रखे हुए हैं। कैक्टस का भी कलेक्शन है इनके पास, जो कैक्टस का शौकीन हो या सकुलेंट्स तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। सेंसेवीरिया की एक और वैरायटी बहुत ज़्यादा बुशी हो चुकी है। और इसके अलावा पेंसिल कैक्टस, ये वाला अब नज़र डाल लेते हैं कैक्टस पे और सकुलेंट्स कौन कौन से इस वक्त मौजूद हैं। वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं। ये प्रिकली पियर्स, ये तो ज़मीन में लगाएं तो ही बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कांटों वाला ही होता है। एक ये पीछे छोटा सा एक ये कैक्टस रखा हुआ है। उसके बाद ये मदर ऑफ थाउजेंड्स, ये एक सामने एक और कैक्टस नज़र आ रहा है, स्टेपलिया, बहुत ज़्यादा बुशी हुआ है। इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का एक बहुत बड़ा फ्लावर खिलता है। ये सारी ये चीज़ें, ये सब, ये मुझे कुछ सकुलेंट सी मिक्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। और ये देखें, ये है। इसके अलावा एक चीज़ और नज़र आ रही थी, आई गेस ये है, और वो पीछे, हाँ वो पीछे वो रखा है, वो ये अगेव, आई गेस अगेव की ही वैरायटी। तो ये सारे प्लांट्स हैं सेल के लिए। और हाँ, जाते थे एक और दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड करते हैं। कुछ यहाँ पर भी रखे हुए हैं, तो जिसको जो प्लांट पसंद है वो उनसे रابطہ कर सकता है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, रابطے के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर देखना ना भूलिएगा। तो ये थी आज के प्लांट, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।